कारण है। कहते हैं ना, हम राम की बात करने से धार्मिक नहीं होते। राम काल में भी लिखा था, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। आचार्य जी है नहीं तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अनुदेशकों को लेकर मुख्यमंत्री जी का ट्विटर भी मेरे सिस्टम में है, मुख्यमंत्री जी के ऑफिस से ट्वीट होता है अनुदेशकों का, हम मानदेय वेतन बढ़ाएंगे। फिर एक यूपी गवर्नमेंट का जो शासनादेश होता है उसको ट्वीट करते हैं, फिर कहते हैं कि हम अनुदेशकों के मानदेय को बढ़ाएंगे, उनके हम वेतन को बढ़ाएंगे। सभापति महोदय, जब चुनाव निकल जाते हैं, गर्ज निकल जाती है, तो अनुदेशकों के वेतन कम कर दिए जाते हैं, जब वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो उनके लिए वकील खड़े कर दिए जाते हैं, कहीं मुकदमा जीत ना जाए वो, इसलिए शिक्षा का स्तर भी घटता जा रहा। सभापति महोदय, इन्होंने एक प्राइमरी स्कूल नहीं बनाए, एक जूनियर हाई स्कूल नहीं बनाए, टीचरों की नियुक्ति पर लगभग रोक सी लगा दी है, जिन अनुदेशकों कहा था वेतन बढ़ाएंगे उनके वेतन को कम कर दिया। सभापति महोदय, हम इन सब बातों को इसलिए कहते हैं कि जो इसके रिकॉर्ड हैं उस तरह कहता हूं, और जो जिन स्कीमों को लेकर माननीय सभापति महोदय बड़ी जोर शोर से चर्चा करते हैं वो एक भी स्कीमें नहीं है, वो स्कीमें सच हैं। और मैं ये जो आधिकारिक वेबसाइट है निकाल के लेके आया हूं, आपको मैं भेजूंगा। और मैं तो चाहता हूं हमारे साथ आप चला करिए नेता सदन, हम लाइब्रेरी में रोज बैठते हैं, अगर खाली वक्त होता है तो मैं कुछ पढ़ने वाले लोगों के साथ लाइब्रेरी में बैठता हूँ, जो मोटी मोटी किताबें हैं घंटों घंटों पढ़ता हूँ, नींद नहीं आती तो किताबें ही पढ़ता हूँ, पुराने उल्लेख पढ़ता हूँ। हमारे तमाम साथी यहाँ विद्वान थे, अब विद्वान नहीं रहे, जब यहाँ बैठते थे तो विद्वान थे, जब वहां चले गए तो उनकी विद्वता कहाँ।